कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि एक तारीख को परमिशन मिल जाएगी और उसके दूसरे दिन यानी दो तारीख को शूटिंग चालू हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि एक शूटिंग शुरू होने के लिए कितने मुश्किलों का सामना एक प्रोडक्शन हाउस को करना पड़ेगा, यही समझेंगे। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल भोजपुरी वन। हम सभी चाहते हैं कि 1 जून तक महाराष्ट्र मुंबई के हालात पहले जैसे सुधर जाए और सभी का रोजगार शुरू हो जाए, टीवी और फिल्म की शूटिंग करने की भी परमिशन मिल जाए ताकि कई लोगों को काम और रोजी रोटी मिल सके। अब बात करते हैं कि अगर 1 तारीख को परमिशन दे देते हैं तो प्रोडक्शन वालों को कितने सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, एक शूटिंग शुरू होने में उनको कितनी दिक्कतें होंगी। जैसे कि आपको पता ही है कि इस समय जो है मुंबई में बारिश और तूफान आ जा चुका है, तो इससे क्या हो गया कि कई सारी जो है ना फिल्मों के जो सेट लगाए गए थे फिल्म सिटी में, जो कंटिन्यू शूटिंग चल रही थी, वहाँ पे कई सारी दिक्कतें आ चुकी हैं। साथ में आपको बता दूं कि टीवी सीरियल के सेट भी मुंबई के अलग अलग स्टूडियो में लगाए थे और आप जानते हैं कि वहाँ पे अभी इस समय कोई नहीं है, तो रखाव नहीं हुआ, तो कई सेट जो है डैमेज हो चुके हैं, पानी से भरे हुए हैं। तो पहले तो प्रोडक्शन वालों को इनको जो है रिपेयर कराना पड़ेगा इन चीज़ों को। साथ ही जो है अगर परमिशन मिलती है तो कोविड नियमों का जो है उन्हें पालन करना पड़ेगा और वही नियम जो पहले जैसे थे, जैसे सैनिटाइजर, एम्बुलेंस और पीपी किट और उसके बाद जो है सभी का इंश्योरेंस। और इसमें एक नियम और जुड़ने वाला है कि भाई देखो ऐसा है कि अभी जो लोगों ने जो है टीकाकरण करवा लिया है, पहली डोज जिनको लग चुकी है, तो हो सके प्रोडक्शन वाले ऐसे लोगों को ही बुलाए सेट पर ताकि जो है ना इसका खतरा जो है संक्रमण का जो खतरा है ये थोड़ा कम फैले। ये समझ गए ना, मास्क वोस्क लगाना वो तो ग्लव्स वगैरह पहनना ही पड़ेगा और जो क्रू मेंबर है उसको 50% रखना ही पड़ेगा, ये नियम तो मुझे 100% पता है कि ये रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई सेट का तो बना लेंगे, ये लोग रिपेयरिंग करेंगे तो काफ़ी दिन बीत जाएगा। इसी बीच में आर्टिस्ट अभी मुंबई में है कहाँ, सभी लोग तो अपने अपने घर चले गए हैं, तो उनको भी बुलाना पड़ेगा। ऊपर से वो चले तो गए हैं तो उनका भी तो रंग रूप चेंज हो गया होगा, गेटअप वो आधी अगर सीरियल में कर रहे हैं तो थोड़े मतलब पतले रहे होंगे, फिट रहे होंगे, अभी जो है वो थोड़े जाड़े होंगे, तो भाई ये भी मेंटेन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे टेक्नीशियन भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, मेकअप मैन हो गया, साउंड हो गया, साथ में कैमरा मैन, लाइट मैन, स्पॉट बॉय, ये सब, तो ये सब को भी तो बुलाना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, तो ये इनको भी बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं इक्विपमेंट की, तो देखिए दोस्तों बहुत सारे रेंटल हाउस जैसे कि कैमरा का है, लाइट का है, साउंड का है और बहुत सारे जो जितने भी उसमें यूज होने वाले जो रेंटल हाउस थे उनको भी तो अभी बोलना पड़ेगा और वो भी अभी इस समय मुंबई में नहीं है, उन्होंने भी अपना जो है शटर बंद करके गाँव चले गए, तो इनको भी आना पड़ेगा। साथ में यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत ये भी है कि इतने जो रेंटल हाउस है इनकी भी अपनी मुसीबत है कि जैसे ही ये खुलेगा तो जो कैमरे के जो सर्विस सेंटर हैं, लाइट के जो सर्विस सेंटर है वो खुलना जरूरी है, क्योंकि ये अभी कम से कम 2 से 3 महीना बंद पड़े थे कैमरे, तो इनमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने को आ जाता है या इसमें सर्विसिंग, तो ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि इससे पहले वाले लॉकडाउन में भी यही हाल हुआ था, कई कैमरे जो है ना वो सर्विस सेंटर पहुंच गए थे और चाइना का जो प्रोडक्ट है भाई वो तो अपडेट मांग रहा था, लेकिन अभी भारत और चाइना के रिश्ते ठीक नहीं तो अपडेट क्या, वो सामान ही सब हो गए, तो भाई बहुत सारे सामान इसमें खराब हो चुके हैं। प्रोडक्शन वालों को जब शूटिंग शुरू करेंगे तो बहुत सारे ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो शूटिंग में यूज होते हैं, जैसे ड्रेस भी खरीदना पड़ता है, कई सारे किराए पे और भी चीजें लानी पड़ती हैं, तो भाई अगर इन सबका भी सामान जो है ना, इनकी सबकी जो दुकान है वो भी तो खुली होनी चाहिए, तभी तो जो है वो जैसे पानी हो गया और भी बहुत मतलब जितनी चीजें लगती हैं शूटिंग के लिए, तो भाई इनकी भी जो दुकानें खुली होनी चाहिए तभी तो ये जो है शूटिंग करने के लिए पहुंच पाएंगे। तो ये सारी समस्याएं जो होती हैं और इसी के लिए क्या होगा कि अगर 1 तारीख को परमिशन मिली तो 2 तारीख को कोई प्रोडक्शन वाला नहीं आ पाएगा शूटिंग करने के लिए, भाई क्या होगा 10 से 15 दिन का समय और लगेगा। ये तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके हैं कि जब भी महाराष्ट्र सरकार परमिशन देगी शूटिंग शुरू होने की, उससे 10 या 15 दिन प्रोडक्शन हाउस को शूटिंग शुरू करने में लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब आप ज़्यादा चिंता मत करिएगा और जब भी कोई अपडेट आएगी शूटिंग के लिए तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, और उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ यार लाइक जरूर देके जाइएगा, और बहुत सारे लोग हैं मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इस वीडियो को घूमते रह जाओगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।